सदन में नहीं बना पा रहे मेयर तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। क्या सुप्रीम कोर्ट से अब मेयर मिलेगा दिल्ली को? जी जी नजी, जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, दो बार सदन बैठ चुका है और दोनों बार सदन में लगातार इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई। पिछला सदन तो बहुत ही गजब का था, जिसमें पूरी स्ट्रैटेजिकली तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का मेयर बनने से रोका गया, मेयर की वोटिंग रोकी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे। आम आदमी पार्टी के पास 151 सारे मिला के 151 वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 113 वोट थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता था कि मेयर जो है उनमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। इस वजह से उन्होंने पूरी तरीके से मेयर का इलेक्शन जो है वो टाल दिया और सदन को जो है अनिश्चितकालीन के काल के लिए स्थगित कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है कि लोगों ने जिस उम्मीद के साथ जो है आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताया, या तो आम आदमी पार्टी चुपचाप भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सहती रहे या उसके खिलाफ आवाज उठाए हर जगह पे, सड़क पे, संसद में और जहां जहां कोशिश हो सकती है वहां वहां का दरवाजा खटखटाए और लोगों को इंसाफ दे। दिल्ली के लोगों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है और अब इस लड़ाई में जो है अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की दो मेन मांगे हैं, जिसमें पहली तो जिस तरीके से दो बार सदन लगने के बाद भी मेयर नहीं चुना गया और दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। सबसे पहले तो कोर्ट में हमने यही अपील करी है कि टाइम बाउंड मैनर में जो है मेयर का इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में कराएं। दूसरा, जिस तरीके से दोनों ही सदन की बैठक के दौरान एल्डरमैन्स की शपथ और उसके बाद जो है उनकी वोटिंग, शपथ को वोटिंग में कन्वर्ट होने का भारतीय जनता पार्टी जो गंदा खेल खेल रही है, उसके लिए भी हम जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करिए कि जो इनके एल्डरमैन है, जो नॉमिनेटेड काउंसलर है, उनको पूरी तरीके से राइट, मतलब कहीं भी राइट नहीं है वोटिंग्स का, मेयर की वोटिंग का, स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग का कहीं पे भी राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डीएमसी एक्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में वही अपील करी है हमने कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनको पूरी तरीके से निर्देश दे कि एल्डरमैन की वोटिंग नहीं हो सकती और पूरी तरीके से मेयर के फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से खराब, ठीक है। आपका शुरुआती पॉइंट आ गया है, कुछ और सवाल आपसे भी रहेंगे। अजय महावर जी, अजय जी, आप लोग तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए? जी जी, पहले तो मैं अपनी बात कहकर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बीच में से आना पड़ा किसी कार्यक्रम में से, ठीक है, नहीं, ठीक, और मुझे जैसी जानकारी थी कि मुझे, हाँ, तो मैं अपनी बात कह दूं कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है, मेरे परम मित्र प्रवीण जी कह रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। पिछली 6 तारीख से अगर ये घटना शुरू होती है तो शपथ समारोह को किसने डिस्टर्ब किया? आम आदमी पार्टी ने। अब उन्होंने पीठासीन के इस बात को नहीं माना कि एल्डर मैन की पहले शपथ हो, और इन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे, उस मैटर में भी कहा था कोर्ट जाएंगे, ये कोर्ट गए नहीं उस समय। लेकिन अब इन्होंने जो अभी परसों हुई है 24 तारीख को, उसमें इन्होंने मान लिया। तो ये आम आदमी पार्टी उस दिन जो हंगामा बरपा रही थी, क्या उसके लिए माफी मांगेगी? और अगर गलत था तो परसों क्यों होने दिया? तो इसलिए ये खुद दुविधा में है, कंफ्यूज है, इन्हें पता ही नहीं है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, स्वागत है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, माननीय न्यायालय का निर्णय हम मानेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलत व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं। अभी इन्होंने कह दिया कि एल्डरमैन के लिए कोई पावर नहीं है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है ऐसा। हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी आई नहीं है, पर इनकी बात को मैं काट रहा हूं। ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट मना करेगा तो नहीं करनी चाहिए, पीठासीन मना करे तो नहीं करनी चाहिए। पीठा, आप एलजी पर विश्वास नहीं करते, आप पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नहीं करते, आप कोर्ट पर विश्वास नहीं करते, अरे भैया आप किस पर विश्वास करते हैं? इसीलिए तो आप अराजक कहे जाते हैं। आपको आदत पड़ गई है, पहले सदन में वहां 62 की संख्या है, वहां भी यही करते हैं, ये खुद ही वेल में आ जाते हैं। और इनको आज तक मार्शल आउट नहीं किया गया 62 विधायकों को। हम अगर एक मिनट के लिए अपनी मांग को लेकर आ जाए, हमें मार्शल आउट कर देते हैं उठा करके। यही डोमिनेशन की, यही तानाशाही की प्रवृत्ति बन गई है इनकी। लेकिन चूंकि यहां संख्या पक्ष विपक्ष की बहुत अच्छी है, इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। मैं ये मानता हूं
लोकतांत्रिक व्यवस्था से सब चिंतर आए हैं, शपथ समारोह हो पाया इसके लिए मैं नवनिर्वाचित पार्षदों को जी के माध्यम से बधाई भी देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो कानून की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, पीठासीन अधिकारी इस समय जो भी व्यवस्था बनाए उसका सम्मान करे, तुरंत चुनाव हो जाएगा, संख्या बल इनके साथ इनका मेयर बन जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। दिक्कत तो कब है, पहले मुकेश गोयल ने सदन में आवाज उठाई कि जी पीटर इनको अंडरवन को बाहर निकालो, सूची दो, व्यवधान इन्होंने पैदा किया, इनके पार्षद जाकर के सेक्रेटरी से बदतमीजी करने लगे, तब आप भाजपा के पार्षदों ने उसका रिपार्टेशन किया। तो समस्या तो पहले अजय जी दो तीन चीजें हैं सर, क्योंकि आपका समय इस वक्त ठीक है। अजय जी क्योंकि आप अपने कार्यक्रम में से सर आप अपने ठीक है अजय जी आप अपने कार्यक्रम में से आए हैं तो मैं आपके समय का सम्मान करती हूँ, आपके पास समय थोड़ा सा कम है। एक सवाल मैं और ले लेती हूँ सर, आप लोगों ने कोई वीडियो इनके बदमिजाजी का जारी किया अभी तक, जो आप कह रहे हैं कि 24 तारीख को इन्होंने सदन में सबसे पहले हंगामा किया वो जरूर जारी कीजिए। दूसरी बात ये भी कि कल जो है एलजी ने भी बुलाया है मुख्यमंत्री को 10 विधायकों के साथ। एक सवाल और मैं आपके साथ जोड़ देती हूं सर, वो ये है कि क्या आपके पास नंबर्स हैं, जगा दी है आप लोगों ने अंतरात्मा की आवाज कुछ पार्षदों की? देखिए जी ने जी ना तो इनके दावे से कुछ होगा ना मेरे दावे से कुछ होगा, फ्लोर पे तय होगा। ठीक बात, फ्लोर हमेशा तय करेगा मीडिया में, हम नेताओं से कहने से नहीं होगा। हाँ, ठीक बात, फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर पे जिसका भी नंबर होगा उसका मेयर बनेगा, इसमें कहां कोई दिक्कत है, कहां कोई परेशानी है। सवाल तो यह है कि आप सदन को चलने दें, सदन की व्यवस्था को, सदन के ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें, खुद ही वेल में आ जाओ, खुद ही डिस्टर्ब कर दो, और फिर जब सदन स्थगित हो जाए तो फिर कहने लगो कि देखो जी तो भाग गए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अभी मेरा ये मानना है ये अपने देश के विधायकों ने या पार्षद ने शोर मचाया हो। एक एक मिनट, एक मिनट, हाँ जल्दी से बोल लीजिए क्योंकि बलराम भी मेरे सहयोगी हैं, उन्हें भी मैं शामिल करूंगी। अजय जी बात पूरी कर लीजिए, वीडियो तो जारी नहीं किया ना आप लोगों ने सर, और व्यवस्था तो सदन की आपको करनी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो आप लोगों ने बुलाई थी ना, और ये तो कहते हैं कि हम बैठे रहे 8 बजे तक। हमने वीडियो जारी किया है। हाँ, हमने वीडियो जारी किया, दिक्कत क्या है, इनके दो मेयर ने और दो डिप्टी मेयर ने भर दिए पर्चे, इनके अंदर स्प्लिट हो गई, दो फाड़ हो गई है, इन्हें विश्वास ही नहीं है कि इनका मेयर जीत जाएगा, इसलिए चोर दरवाजे से ये डबल स्टैंडर्ड करके भाग रहे, मेरा आरोप है इन पर। ठीक है, अजय जी क्या आपके पास, ठीक है अजय जी क्या आपके पास अभी समय है 5-7 मिनट और रुकने का? स्थगित करती है, एक सेकंड प्रवीण जी, प्रवीण जी एक सेकंड, अजय जी आपको अर्जेंट जाना है। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, आपने समय निकाला, अच्छी बात है, और अच्छा है अच्छे नेता जब जुड़ते हैं तो जनता की बात होती है। बलराम भी हमारे साथ है इसलिए